وصب عليه الغداة وجاء صبا इस्तिकामत को तेरी सलाम आया हम से जो होता कल दिखाएंगे हम पहले तुझी को छाल बनाएंगे हम आया जुल्म तुझ पर पड़ा तेरी सलाम भैया के मुनावर हसन साहब अमीर राजभाई के लिए जमाशवानी कराची के लिए मतलब के लिए पहले और डॉक्टर आपके बेटी के लिए खानदान के बच्चे वगैरह भी इंशाल्लाह इसमें शरीक हो जाएंगे। अफ्रीका के खिलाफ डॉक्टर आसिया सिद्दीकी के साथ उनके खाना के साथ उनकी शरीक वाला जो अज़्म और हिम्मत का पेपर है उनके बच्चे जो अज़्म और हिम्मत का हम डॉक्टर आपके को सलाम पेश करते हैं उसकी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं आपकी बेटी आपकी बहन करते हैं अपने देश और अपने सरकारी राजों पर कब्जा करने की कोशिश की उसी ले में देश को रिहा कर दिया जाता है। मेरे भाई के आज पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाज का किया जा रहा है आज ये अमेरिका की गुलामी से इस्लामी पाकिस्तान जना डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहब के ये कराची शहर एक मजलूम शहर है और इस शहर में इस्लाम बता भारतगिरी सब चलता रहा लेकिन इसके साथ साथ हमारी बेटियों को और हमारे नौजवानों को अगवा करके हमारी एजेंसियों ने अमेरिका के हवाले कर दिया और इतना बड़ा जुल्म किया उन्होंने जिसमें डॉक्टर आसिया का नाम सर फहरिस्त है कि जिसे 2004 में जिस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी जिसमें एमपीएम भी शामिल थी और उस दौर के अंदर आसिया सिद्दीकी को उनके तीन बच्चों के साथ कराची शहर से अगवा किया गया। कराची के वयूं शहरियों और नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। आज हम और आप पाकिस्तान की मजलूम बेटी उम्मत की मजलूम बेटी आसिया सिद्दीकी के हवाले से जमा हुए हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका के दो चेहरे सामने आए हैं। एक तरफ वो हुकूक इंसानी की बात करता है और दूसरे तरफ हुकूक इंसानी की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। डॉक्टर आसिया सिद्दीकी के लिए इस वक्त तक जितने शवाहद आए हैं उनका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है लेकिन अमेरिका ने मुसलमान दुश्मनी का सबूत देते हुए सिर्फ इसलिए सजा दी है ताकि पाकिस्तान की नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाली एक गुलाम उसकी खातून को सजा दे करके पूरी उम्मत की तोहीन की है। और आप लोगों ने अपने इस जद्दोजहद से लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों में आप या
जालिमाना सजा सुनाई गई थी 86 साल की, जबकि कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। अगर कोई सबूत है तो वो आफिया की मासूमियत के सबूत है, लेकिन फिर भी उसे 86 साल सॉलिटरी कंफाइनमेंट यानी कैद तनखाई में एक मेंटल प्रिजन में, जहाँ पे जहनी और पागल जुर्मों को और इस दुनिया को सुखेरने की कोशिश हो रही है, इस दुनिया को महदूद करने की कोशिश हो रही है, ताकि अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवा काल अल्लाह और काल रसूल कहने वाले, अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक रखने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नतों को अपनाने, उनकी शरीयत के लिए जद्दोजहद करने और उनकी छोड़ी हुई कश्मकश को अपनाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा एजेंडा हमारा एजेंडा है, आफिया की रिहाई हमारा एजेंडा है, अमरीकी आफिया ने, डॉक्टर आफिया ने सबर की चटान बनकर दिखाया है, और अल्लाह के फैसलों पर राजी बरदा रहते हुए मुसलसल अपने हर में हर गुजरने वाले दवे से जद्दोजहद और कश्मकश का पैगाम दिया है। इसलिए हमें इस बात का यकीन है, मैं चल गया था आफिया के घर उनकी माँ से मुलाकात करने के लिए, मेरे पास अल्फाज का जखीरा है कि कैसे उनकी अल्प को हिम्मत को बयान किया जाए, उनके हौसले की कैसे दाद दी जाए, और ये तमाम लोग ताल्लुक बिल्ला के हवाले से जाने जाते हैं, जिसका अल्लाह से जितना ताल्लुक होगा, जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर डूब कर अपने आप को पाने का ताल्लुक होगा, वो इस दुनिया के अंदर भी सबर की चट्टान साबित होता है, वो इस दुनिया के अंदर भी नामसाई हालात के अंदर जद्दोजहद और कश्मकश का उन्वाद साबित होता है। इसकी मैं ये समझता हूँ आज पूरे मुल्क के अंदर हम अपने हुक्मरानों के बारे में भी समझते हैं, चाहे वो अमरीका में पाकिस्तान का सफीर हो या पाकिस्तान में पाकिस्तान का सदर बना देता हो, इन सब लोगों ने कौम को मायूस किया है। ये अमरीका की विकेट पर खेले हैं, ये अमरीका के मरहूने मिन्नत रहे हैं, ये उसी की चौखट पर सजदा रेल रहे हैं, ये उसी की हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं। जितने हुक्मरान हैं फौज से भी मैं ये बात कहता हूँ कि रेमन टेरिस के मामले में फौज का रवैया बहुत अच्छा साबित न हुआ, रेमन टेरिस के मुकाबले में के मामले में हमारे सदर और वजीर आजम और पंजाब के वजीर आला का रवैया भी काफी हद तक नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आप यह सिलसिले में हमारे इल्म की बात है कि हम अमरीका की कौन जुडिशरी भी इंतजार करती रही कि पाकिस्तान की तरफ से आफिया को वापस लेने, पाकिस्तान की तरफ से आफिया को अपने पास बुलाने की कोशिश होगी तो इस कोशिश में सरक कर करेंगे, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है मालूम कितने राजों पर से पैदा हो जाता, जैसे तो अजीब गरीब खातून है नाम जिसका डॉक्टर आफिया करार पाया है, अगर अमरीकियों का ये इल्जाम है तो उसने बंदूक उठाई, अमरीकी सिपाहियों के ऊपर बंदूक मार ली और अमरीकी सिपाहियों के ऊपर उसने गोलियां चलाई, तो हम अपने सिपाहियों से पूछते हैं तुमने भी कभी ये काम किया है, तुम तो अफ्रीका को वेलकम करते हो, तुम उसको फाइव स्टार देते हो, अगर आम की बेटी ने उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल के हवाले से कहता हूँ कि कौम की बेटी ने अगर जो इल्जाम लगाया गया है ये कतल अगर इसके तो उस इल्जाम की 86 साल सजा होती है बंदूक, लेकिन अगर कौम की बेटी ने बंदूक उठाई है तो उसको तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना देना चाहिए। हमने इस शहर के अंदर राशि उठाई है, लेकिन इस तमाम काम के मौके इसको दरियाफ्त करने वाले और इसको याद करने वाले वो ही मन बात